श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष की 7 विशेष तिथियों पर जल से करने वाला एक नया विशेष उपाय बताया है। इसी के साथ गुरुजी ने महाशनि असुर कौन है और यह क्या कर सकता है, इसके बारे में जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा, श्राद्ध पक्ष में अगर आप अपने पूर्वजों के लिए आहुति दें या धूप छोड़ते हैं और उसके बाद अगर जल का छींटा नहीं लगाते या जल नहीं छोड़ा जाता, श्राद्ध पक्ष में गाय को रोटी देते हैं, कौवे को भोजन कराते हैं और अगर उन्हें जल का भाग नहीं देते हैं या फिर किसी ब्राह्मण को भोज कराया और उसे पानी नहीं पिलाया तो उसका भाग महाशनि असुर को मिल जाता है, हमारे पितरों को नहीं मिलता और हमारे पितर रुष्ट हो जाते हैं। महाशनि असुर इस प्रकार पितरों का सब भाग लेकर हमारे घर में 1 रुपया आ रहा है और 1.25 रुपया खर्च होता है। घर में छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं। घर में कोई ना कोई छोटे से लेकर बड़े तक बीमार रहता ही है। एक ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरा बीमार हो जाता है। तो यह सब हमारे घर में महाशनि असुर करता है। यदि हम श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों की आहुति देते हैं, धूप छोड़ते हैं, गाय को रोटी खिलाते हैं, कौवे को भोजन करवाते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं, उसके बाद जल नहीं पिलाया जाता है, जल नहीं छोड़ा जाता है तो उसका भाग महाशनि असुर को मिल जाता है और वह हमारे घर में यह सब करता है। अब गुरुजी ने बताया, यदि किसी के भी घर में ऐसा हो रहा है, आपके घर में 1 रुपया कमा रहे हो, 1.25 रुपया खर्च हो रहा है, घर में छोटी छोटी बातों पर कलश हो रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, तो श्राद्ध पक्ष की दूज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष या शिवरात्रि, इनमें से किसी भी तिथि पर गाय को रोटी खिलाकर जल पिलाइए या जल का छींटा लगा दीजिए, कौवे को भोजन करवाइए और कौवे को जल का छींटा लगा दीजिए, ब्राह्मण को भोज कराएं और ब्राह्मण को जल पिलाएं, या फिर आपके घर आने वाले किसी अतिथि को, गुरुजन को, आपके जान पहचान वाले हैं या कोई अजनबी है तो उस व्यक्ति को जल अवश्य पिलाएं। यदि आप यह करते हैं तो आपके घर में जो पितृदोष का प्रभाव है वह कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा का उपाय। ऐसे ही और उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।